उत्तरकांड में कागभुसुंडी और जो गरुड़ जी का संवाद है उसमें कागभुसुंडी जी जो भी बातें गरुड़ जी को बताई हैं, जितनी भी बातें बताई हैं उसके विषय में वो एक बात का स्पष्टीकरण करते हैं कि ये सारी बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं ये मैंने किसी से सुनी नहीं है, ये मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखी है। तो उत्तरकांड में कागभुसुंडी और गरुड़ जी का जो संवाद है, कागभुसुंडी जी ने जो भी रहस्य का उद्घाटन किया है वो सारे के सारे रहस्य, वो सारी की सारी बातें उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ये रामचरितमानस की बहुत बड़ी विशेषता है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। और इसके अंदर इसके अनंतर कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जब भक्त भगवान के लिए अपने आप को पूर्ण समर्पण समर्पित कर देता है, जब पूरा का पूरा समर्पण भगवान में हो जाता है, तब भक्त की जो भी इच्छा होती है उसे पूरा करने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं, उसकी बात जोहते हैं कि कब मेरा भक्त कोई इच्छा करे और मैं तुरंत उसको पूरा करूं। आइए देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात को रामचरितमानस में कैसे कहते हैं और इसके लिए उनकी लेखनी लिखती है। बाबा जी कहते हैं, जो इच्छा करी हहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। श्री राम जय राम जय जब भक्त की अवस्था बहुत ऊंची होती है, भक्त सचमुच भगवान में सदैव लीन रहता है, तल्लीन रहता है, भगवान राम के नाम का, रूप का, गुण का, धाम का और उनकी लीला का हमेशा चिंतन करता है, गुनगुनाता है, कीर्तन करता है, उसको सुनता है और उसी का भजन करता है, तो भगवान उसे एक पल भी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए रामायण के विषय में कहा भी गया है, रामायण सुर तरु की छाया, भय दुख दूर निकट जो आया। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
तभी तो भगवान राम के विषय में कहा भी गया है, राम नाम एव नाम एव नाम एव मम जीवनम कलौ नास्त्यैव 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 गति अन्यथा पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम, ओम शांति ही शांति ही शांति ही।